अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। और आज है ये मेरे पास रेटिकीस का एक बेहतरीन पॉकेट साइज रेडियो, जो बिल्कुल ही डब्बा पैक है, मेड इन चाइना है। और इसमें जो है एफएम, मीडियम वेव, शॉर्ट वेव, MP3 प्लेयर विथ स्पीकर विथ बेस साउंड और ऑटोमेटिक और मैनुअल सेविंग रेडियो स्टेशन 9-10 किलो हर्ट्स ट्यूनिंग स्टेप और रेडियो माइक लाइन और N3 रिकॉर्डिंग मॉडल डिलीट रिकॉर्डिंग और 1000 mAh की रिचार्जेबल बैटरी भी है इसमें। इसमें मेमोरी कार्ड भी लगता है, MP3 और WMA फाइल जो है वो प्ले कर सकता है। इसमें आप लाइन इन भी लगा सकते हैं, कोई आप अपना पुराना, अगर आपके पास पुराना कैसेट है, कोई पुराने दौर का कोई अच्छा सा कैसेट होता है वो आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, तो इसमें लाइन इन दे के आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। एक बेहतरीन रेडियो है, बहुत सारी सहूलतों के साथ रेडियो है। चलिए खोलते हैं इसको, ओपन करते हैं, अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी इसका रेडियो है और हमें डब्बे के अंदर एक मिलती है बुकलेट, जो तकरीबन इंग्लिश में है और कुछ और ज़बानों में है। और डब्बे में कुछ नहीं है, डेटा केबल चार्जिंग के लिए आप अपनी इस्तेमाल करेंगे, कोई भी मोबाइल की डेटा केबल इसमें इस्तेमाल हो सकती है। बहुत ही हल्का लाइट वेट है और बेहतरीन फिनिशिंग के साथ है। और 1 से लेकर 9 तक इसमें बटन दिए गए हैं, आप डायल ट्यून जो है वो डायरेक्ट डायलिंग भी कर सकते हैं ट्यूनिंग के लिए। इस तरफ आपको टाइप सी मिलता है जो अक्सर रेडियो में नहीं आता, और टाइप बी आता है, इसमें टाइप सी दिया गया है। और मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं आप, और इसमें जो है आप लाइन इन कर सकते हैं और यहाँ पे आप हेडफोन लगा सकते हैं। दूसरी तरफ हमें कुछ भी नहीं है, ये इसका स्ट्रैप है और ये यहाँ पे इसमें ऐसे लग के आप टेबल पे लगा भी सकते हैं। पीछे जी एंटीना मिलता है और बैटरी कंपार्टमेंट मिलता है, इसमें BLC5C की बैटरी लगती है नोकिया वाली। ये पीछे से एक बेस स्पीकर दिया गया है, ऊपर भी हमें कुछ नहीं मिलता। चलें इसको ट्यून करके देखते हैं कैसी साउंड है इसकी। चलें जी प्ले करते हैं। वेलकम लिखा हुआ आ रहा है, जबरदस्त बेहतरीन साउंड है बेस के साथ। बेस के साथ जो है इसमें वाइब्रेशन भी है, मतलब आप हाथ में पकड़ेंगे तो आपको वाइब्रेशन भी महसूस होगी, इतना ज़्यादा बेस है इसका। कुछ नहीं।
जी ये था रेटिकिस्का V115, एक बेहतरीन शॉर्ट बैंड मीडियम वेव और FM की रिसेप्शन बड़ी ही कमाल की चीज़ है। चाइना वालों ने जो है एक बेहतरीन रेडियो बनाया है। पॉकेट साइज़ है, छोटी सी जो है आम से किसी भी पॉकेट साइज़ में पॉकेट में आ जाएगा आपके। और साउंड जो है वो कमाल का है, बेहतरीन साउंड है। जिसने इस्तेमाल किया हो उसको मालूम होगा इसका। ये मेरे पास दूसरा पहले भी एक मैंने लिया था, वो किसी और के नाम से था, टीवी डियो के नाम से। हाँ टीवी डियो के नाम से था, मॉडल नंबर उसका यही था V115। तो वो इतना अच्छा नहीं था, उसमें थोड़े से मसले थे, तो वो मैंने सेल कर दिया था। लेकिन ये जो है बड़े ज़बरदस्त रेटिंग की इसकी चीज़ है, साउंड क्वालिटी भी अच्छी है, टाइप सी के साथ है और माशाल्लाह बेहतरीन है। मैन्युफैक्चरिंग इसकी जी मुझे अंदाज़ा नहीं है, मैंने इंटरनेट पर सर्च किया तो कोई मुझे नहीं मिला कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, कौन से साल में आया था। मेरे ख्याल में 2000 के बाद ही ये मैन्युफैक्चर हुआ है, या 2021-22 के बाद। तो इतना पुराना नहीं है, जदीद है, और जदीद जो है वो टेक्नोलॉजी के साथ है। तो चलें जी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और मिलते हैं फिर अगले किसी नए रेडियो के साथ इंशाल्लाह। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स लाजमी करें, अपने शहर का नाम ज़रूर बताएं कि कहाँ से बात कर रहे हैं, कहाँ से लिख रहे हैं। तब तक के लिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे फिर अगले नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।